बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालों, मेरे सारे भैन भरों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, बाद रखे, थोड़े सारे दुख तकलीफ दूर करे, तुहानू ज़्यादा तों ज़्यादा खुशियां अता फरमाए। इस तों बाद नाल अज्ज वीडियो शुरू करदे हां। वीडियो शुरू करने पर साडी एक रिक्वेस्ट आ, तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं क्लिक कर लो, ताकि साडी हर आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानू पर मिलदा रहे। मोइज़े कि बाबा बाबा दा सर दबा रहे हो बेटा? पहले उन्होंने उत्थे भी मेरा ख्याल दवाई दी है। हाँ जी, डॉक्टर ने कहा 102-3 ते भी बुखार इस वक्त आ। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दवे, तंदुरुस्ती दवे, इसे दवाई नहीं, अल्लाह ताला आराम दे दे। तो भाभी ना रोटी ना 1-2 दिन दी दलिया वगैरह या इदा की कोई नरम गज़ा बना के दियो। नहीं, मजबूरी ने हूँ खाना वा, तो रोटी ना दे 2-3 दिन। उन्होंने कहा बुखार की वजह। हाँ जी हाँ जी, जाना ही है किसी ना किसी शहर। इन्ना सोहना किलो एक मंगवा लो, बरीक हों वा दुध च, इन्ना सोहना पकता। क्यों मैं अब्बा जी वास्ते बना रही, इन्ना सोहना बनता रहा वा। हाँ जी, नहीं मैं तो चंगा गला के सोहना बना सी। नहीं, अगर गड्डी लैके गए ना तो उतो 2-3 बोतल मैं खाली दी, मैं पानी दी भर के अपने दी रख दाँगी ना नहर वाले दी, वो बहुत जल्दी हो जाता है नरम। हाँ जी हाँ जी। अच्छा भी रैपर का सीजन आते, भाई जवेद बीमार पे आ, 1,10,000 का करके 5 का रैपर लिया। तो सीजन के दिन से किसी की तो की अपनी वड्डन तो जोड़े वाढ़े बेचारे बैठे आ, भी साड़ी दिहाड़ी जाया होंगी, भी अल्लाह सोना मेरे भरा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो अपना काम संभाले उठ के। तो बास भाई के होर ही काम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा माल डंगर का पट्ठे दत्थे का। हाँ जी, नाले शुरू तो रैपर नाल कनक भाई जवेद ही कटते हैरों या इस तरह के जड़े। हाँ जी, तो हूँ वैसे उन्होंने कहने कि तुम भी भाई सीखो। 100 बंदे ने बुखार बखूर हो जाता है। हाँ जी, अल्लाह पाक जो पहुंच नहीं पाऊंगा।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਸੀਆ ਸਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਦਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ